रुख करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही जहां कांग्रेस डोर टू डोर जाकर लोगों से कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर के लिए वोट मांग रही है, तो वहीं बीजेपी भी हर पंचायत में जाकर नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से प्रचार में जुटी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने भी दिन में दर्जनों नुक्कड़ सभाएं करके बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर के लिए वोट करने के लिए लोगों के पास पहुंचे। लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही जहां कांग्रेस डोर टू डोर जाकर लोगों से कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर के लिए वोट मांग रही है, तो वहीं बीजेपी भी हर पंचायत में जाकर नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से प्रचार में जुटी है। पूर्व सीएम धूमल भी दिन में दर्जनों नुक्कड़ सभाएं करके बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर के लिए वोट करने के लिए लोगों के पास जा रहे हैं। देर शाम को अणुकला में नुक्कड़ सभा के दौरान पूर्व सीएम धूमल ने कहा कि कोई भी चुनाव छोटा या बड़ा नहीं होता है और हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है। धूमल ने राफेल मामले पर झूठ बोलने वाले राहुल गांधी ने कोर्ट में माफीनामा देकर अपने बयान पर खेद जताने पर कहा कि अब साबित हो गया है कि राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस पार्टी झूठ बोलने की मशीन है। वो पंचायत का हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, और देश की नजरें आज इस चुनाव पर लगी हुई है। इसका महत्व तो केवल भारत के लोगों के लिए नहीं है, सारी दुनिया इंतजार कर रही है कि 23 मई को क्या रिजल्ट आता है। क्या भारत का शेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर प्रधानमंत्री बनेगा? क्या वो लोग बन जाएंगे कोई जो इस काबिल ही नहीं है कि प्रधानमंत्री बने? कल सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी ने माफी मांगी जाकर, जो चौकीदार की ओर है का नारा वो लगाता रहा घर घर जाके हर जलसे में, वो गलत लगा दिया, सुप्रीम कोर्ट को गलत कोर्ट कर दिया। तो ऐसे लोग कहा, उसने कहा कि जोश में आकर मैंने लगा दिया। राहुल को भी जोश आता होगा तो हैरानी की बात है, लेकिन जोश में आकर अगर इस तरह के काम करने वाला हो तो प्रधानमंत्री बनने के काबिल है क्या? जैसे नरेंद्र जी कह रहे थे कहीं दिवाली मनाई, कहीं मिठाइयाँ बांटी, लेकिन कांग्रेस ने क्या कहा? ये सर्जिकल स्ट्राइक था कि फर्जिकल था? और जिसने फर्जिकल कहा था संजय निरुपम ने उसको बॉम्बे से टिक दिया। कहा कितने मारे, किसने मारे, कुछ किया है तो सबूत दिखाओ। वो सैनिक कमांडो जो आपके लिए हमारे लिए जान हथेली पर रखकर दुश्मन के क्षेत्र में जाता है, आतंकवादी दुश्मन को मारता है और सही सलामत वापस आ जाता है, उसके दिल पे क्या गुजरी होगी? जिस देश के लिए मैं लड़ता हूँ, जिस देश के लिए मरता हूँ, उस देश के वासी मेरे से पूछ रहे हैं सबूत दो, तूने कुछ किया कि नहीं किया? 14 फरवरी 2019 को इसी साल 40 जवान हमारे शहीद हुए पुलवामा में। तब भी कहा बदला लो तो मोदी ने कहा था चुनाव में जाकर, बहनों और भाइयों के बदले की आग तुम्हारे दिल में जल रही है मेरे दिल में भी है।